नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? आप सुन लो। आई एम मोनिन मालो फ्रॉम राजस्थान। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हॉट। प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट की हद होती है, मतलब टीचर लोग प्रैक्टिकल्स पे प्रैक्टिकल, असाइनमेंट पे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। और ये देखिए, मतलब लिखते लिखते पूरे फिंगरप्रिंट्स ही बदल दिए यार। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम आदित्य है और मैं सीएडी अकोला कैंपस में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इनफ ऑफ माय इंट्रोडक्शन, नाउ इट्स टाइम ऑफ फ्रेशर्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। मायसेल्फ यशुदास मानकर एंड आई एम फ्रॉम दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आई एम ध्रुव कुमार फ्रॉम हाजीपुर वैशाली बिहार। मायसेल्फ अनुमान कडवासरा बिलोंग्स टू बाड़मेर सिटी राजस्थान। दिस इज हर्ष संतोष पांडे फ्रॉम गोंदिया महाराष्ट्र। माय नेम इज रोहित मायर, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियरेस्ट एलोरा केवर्स। इट्स सुधांशु नागपुरे फ्रॉम राजराजेश्वर नगरी अकोला। नितिन मदनकर, दर्शन संजय कला, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ का काफी नाम सुना था मैं। पूरे विदर्भ में एग्री इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट कॉलेज देखे, वो है अपना सीएटी। और सीएटी और पीकेवी यार लव है हम यार हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट चूज सीएटी, सीएटी चूज मी। मैंने सीएटी चूज किया क्योंकि मुझे दूसरों से कुछ अलग करना था। दिस कॉलेज प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैंपस टू द स्टूडेंट्स। Most important, the competitive forum. This college provides quality education at lower cost. अगर कैंपस ओपन होंगे ना, तो सबसे पहले ना कॉलेज जाने की तैयारी शुरू होगी। I want to spin all around PDKV and उसका मतलब मुझे कोना कोना देखना है, उसकी ग्रीनरी, उसका यूज कैंपस। फिर बाद में मैं जिम देखूंगा क्योंकि यार थोड़ी बॉडी शॉडी बनानी है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड में जाऊंगा और बहुत से गेम खेलूंगा, कबड्डी और क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। कैंपस लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें देखूंगा एंड अपने गर्ल्स बैचमेट से भी मिलना पसंद करूंगा। और क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बघायचं नवीन नवीन काय आहे कॉलेजमध्ये, हरियाली कुठं आहे जास्त हे पाहायचं आहे, गर्ल्स हॉस्टेल कुठं आहे, बॉईज हॉस्टेल कुठं आहे हे पाहायचं आहे। फर्स्टली कनेक्ट टू हाय स्पीड वायफाय। मैं सबसे पहले कॉलेज को एक्सप्लोर करूंगा। Chill and enjoyment and enjoy campus life. ऑनलाइन सेमेस्टर का तो एक फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम्स इजी होते हैं काफ़ी, और एग्ज़ाम्स में अच्छे से हम लोग चोरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलते हैं एग्ज़ाम्स। The positive thing is that we get too much time with that can we spend with our family. There is no need to prepare for online examination. Online class का मज़ा तो यही है कि हम में बेटर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑनलाइन सेम होने के कारण हमें हमारे जो CGPA है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, मतलब लिटरली अच्छे पेपर्स जा रहे हैं सभी। हमने लाइट ले लिया तो भी हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गए। I think there was a suicide case. वो है एक खौफनाक साया, काली शक्तियों की अशुभ माया, जिस घर पर लग जाए इसकी नजर, वो तबाही से नहीं बच पाया। आदित्य सरांच्या वीडियो मध्ये ऐकलं होतं की बा रूम नंबर 69 मध्ये सीनियर जुनियरची मीटिंग असते, काही ना काही कारण लपला झालं तिथे मीटिंग भरते, हे एवढं ऐकलं। मीटिंग रूम वेअर द ऑल सीनियर्स अँड ज्युनियर्स मीट। और रूम नंबर 69 की भी काफी चर्चा सुनी है। रूम नंबर 69 में यही होता होगा कि सारे फ्रेंड्स एक ही कमरे में रहते होंगे और वहाँ पर मस्ती करते होंगे। ये भी रूम नंबर 69 इज रिजर्व फॉर लवर्स। इट इज अ प्लेस जहाँ पे हम सब हमारी मेमोरीज बनाते हैं,
सीनियर साथ सीनियर के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें हर बातें शेयर करते हैं। ये बोलना चाहूँगा कि वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा गुड जॉब कर रहे हैं, अपने जूनियर्स का ध्यान रख रहे हैं और क्या। इतनी खुशी मुझे आज तक। सीनियर ने भी हमारी काफ़ी मदद की है, जैसे कि बहुत सारी नोट्स हमें प्रोवाइड किए फर्स्ट ईयर की, काफ़ी मतलब हमें हमारा मतलब जूम मीटिंग पे जूम मीटिंग अरेंज करके उन्होंने हमें कॉलेज के बारे में बताया। थैंक्स टू ऑल सीनियर्स टू हेल्पिंग अस, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आवर सीनियर्स आर वेरी यूजफुल, दे हेल्प एवरी टाइम। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस संभालो और देश को संभालो, पर नहीं गजब बेइज्जती है। ट्रीट अस एज योर फ्रेंड। सिंस वी टेक एडमिशन इन सीएटी और सीनियर्स हेल्प इन ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर वी नीड देम, दे गिव अस गाइडेंस, दे प्रोवाइड नोट्स, सैंपल पेपर्स एटसेट्रा। वी आर जस्ट होपिंग दैट एज दे हेल्प इन आवर इन फर्स्ट सेम, they will help in future also, keep guiding and supporting us। सीनियर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो हमें छोटे भाई की तरह माने और हमारी हेल्प करें और हम भी उनकी बातों को सुने और सीखें उनसे। तो सीनियर्स के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जूनियर्स से कोई मिस्टेक्स होती है तो उन्हें माफ़ कर दें और साथ ही साथ हमें एजुकेशन में मतलब हेल्प करते रहे कि सुधर हम अच्छे से अच्छे डिग्री पास आउट कर लें। सीनियर सर्स के लिए मैसेज ये रहेगा कि करना है हमें देश का ऊंचा नाम, इसलिए हमें आपसे चाहिए अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन थ्रू ज्ञान। सर मैसेज तो नहीं बट एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आगे चल के हम जूनियर से कोई गलती हो जाती है तो आप हमें अपने छोटे भाई की तरह समझाए और अच्छे सजेशन दे। दोन चार कोक्यांचा पैकेज लागला, बस झालं माझ्यासाठी, बस एवढं भेटलं म्हणजे माझ्यासाठी खूप सफिशियंट आहे। 150 रुपया देगा। पैकेज के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा, जो भी मिलेगा सफिशियंट है, उतने में मैं अच्छे से कर लूँगा, जो अपने अंदर की स्किल है वो डेवलप करूँगा और उसके हिसाब से जो भी मिलेगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। पैकेज आफ्टर ग्रेजुएशन इज अबाउट 4 to 5 lakh पर एनुअल। माय एक्सपेक्टेड पैकेज आफ्टर ग्रेजुएशन इज अप टू 3 lakh। ग्रेजुएशन के बाद 4-5 लाख का पैकेज मिल जाए बस। ग्रेजुएशन के बाद पैकेज कितना भी मिले पर मैं जिस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ मैं वही जॉब करूँगा। आफ्टर ग्रेजुएशन 7 to 9 lakh। तो मैं मुझे नियर अबाउट 6 to 7 lakh मिल जाए पर एनम, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी बात है। एक्सपेक्टेड पैकेज आफ्टर ग्रेजुएशन तो मतलब ऐसे कुछ इमिडिएटली तो कुछ सोचे नहीं है, मगर सोचेंगे फिर भी अगर लेना हो तो हाँ 10 करोड़ हाँ चलेगा, 10 करोड़। पैसा ही पैसा होगा। किसी को इंप्रेस करना है, अरे हर्ट भाई से मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और अगर किसी गर्ल्स को इंप्रेस करना हुआ तो उसकी तारीफ करके उसके एक मिनट उसके टैलेंट की तारीफ करके, उसके ब्यूटी की तारीफ करके, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हॉट, ऐसा बोल करके कर सकते हैं। जो इज लाइन फ्रॉम फ्रेंड सीरीज दैट हाउ यू डूइंग 20 लैक्स प्लीज पिंच मी सी यू एवरी टाइम आई फील लाइक आई एम स्टिल इन आई फर्स्ट आई हियर योर वॉइस ड्यू टू इन ऑनलाइन क्लास आई गॉट मेड दैट आर यू मेक माय होल डे बट आई वाज रॉन्ग because when I saw you first time you are more beautiful than your voice I don't believe in this only okay. bye tere nazaron